नमस्ते प्रणाम आप सबको, जितने भी लोग मुझे चाहते हैं और अपनी सहारा म्यूजिक कंपनी को चाहते हैं, उसको प्यार देते हैं, उन सबको दिल से नमस्कार प्रणाम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग जहाँ कहीं भी होंगे सही सलामत होंगे, सुरक्षित होंगे। जैसे कि आप सबको पता है, प्रोजेक्ट सारे लोग करते हैं, अच्छे और बुरे हर इंसान के अंदर है, अच्छाई और बुराई। वैसे ही प्रोजेक्ट भी है, अच्छा और बुरा हर जगह होता है। तो कई बार होता है आप अच्छे बजट दे रहे हैं लेकिन आपका काम अच्छा नहीं हो रहा है, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं आप जिस जगह पे गए हैं उस जगह के मालिक में कमी है, और मालिक के माध्यम से नहीं गए हैं तो आप किसी ब्रोकर के माध्यम से गए हैं उसकी कमी है, और नहीं तो आप डायरेक्ट गए हैं तो बस उसका आपका। तो आपकी कमी क्या है या उसकी कमी क्या है, प्रोजेक्ट ही दिखता है ना, से हाँ मेरा काम अच्छा नहीं हुआ है, ख़राब हुआ है। लेकिन आप क्या किए हैं इस चीज़ के बारे में किसी को पता नहीं होता है। आप तो वीडियो 10 जगह दिखा सकते हैं से हाँ मेरा प्रोजेक्ट अच्छा नहीं हुआ है, इसमें हम इतना पेमेंट किए थे, मेरा काम खराब हो गया। तो देखिए, आपके साथ कोई एक बार गलत कर सकता है, दो बार गलत कर सकता है। जब आप जानते हैं मुझे, आपको अगर काम अच्छा चाहिए तो आप गलत जगह पे क्यों जाएंगे, आप उस जगह पे मत जाइए। एक बार में पता चल जाता है इंसान क्या है नहीं है। आप मेरे पास, किसी और का बात छोड़िए, आप मेरे पास आ रहे हैं, सहारा म्यूजिक कंपनी में आपको जाना है, वहाँ से काम कराना है, ठीक है। बाई चांस हम ऑफिस पर नहीं मिलते हैं तो आपको सहारा म्यूजिक कंपनी का लोगो तो दिखेगा, इतना तो आप समझ सकते हैं हाँ हम इसी कंपनी में आए हैं। दूसरा चीज़ क्या, आप बात करिए जो भी कंपनी में मैनेजर हैं या राइटर हैं या एडिटर हैं, जो भी हैं उनसे बोलिए मैडम से बात कराइए, नहीं तो डायरेक्ट उनसे प्रोजेक्ट पे बात करिए। अगर बात नहीं बनता है तो आप मुझे कॉल करिए या बोलिए से नहीं सर मुझे मैडम से मिलना है, उनसे बात कराइए, ठीक है। दूसरा चीज़ क्वालिटी, आपको क्या क्वालिटी चाहिए, ठीक है। क्वालिटी पे, क्वालिटी का कोई लिमिट नहीं होता है। हाँ इतना ज़रूर आप सबको हम बताएंगे, काम मस्त होगा जिसका हम ऐसा तो नहीं बोल सकते हैं हमारे जैसा कोई काम नहीं कर सकता है, लेकिन हाँ इतना ज़रूर बोलेंगे आपकी जो बजट होगी उसमें काम अच्छा करेंगे, बढ़िया करेंगे। दूसरा चीज़ आता है डिमांड। डिमांड आप तब करते हैं जब आप अच्छे बजट में काम कराते हैं, 4,000-5,000 में ऑडियो वीडियो दोनों लोग करते रहे हैं, तो ये जेन्युइन क्वालिटी का जो होता है आपका जेन्युइन हो गया, इसमें आप डिमांड नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है मुझे मार्केट के हिसाब से गाना करना चाहिए, अच्छा ऑडियो करना चाहिए, ये जो भी मार्केट के अभी स्टार लोग हैं उनके हिसाब से ऑडियो मेरा होना चाहिए और उसी लेवल का वीडियो होना चाहिए, थोड़ा सा आपको आगे बढ़ना पड़ेगा और हिम्मत जुटाना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि जब तक हिम्मत से काम नहीं लेते हैं, आप कितना भी बड़ा काम करें आपको तब तक सक्सेस नहीं मिलेगी जब तक आप हिम्मत नहीं दिखाएंगे। हिम्मत दिखाइए, आगे बढ़िए, आज नहीं तो दो दिन बाद आप ज़रूर सक्सेस होंगे और आपको लोग सलाम करेंगे। लेकिन तब तक आपको कंटिन्यू मेहनत करना होगा। एक चीज़ और है, बहुत ऐसे सिंगर लोग कहते हैं हम चार गाना गाए हैं या 4 साल से गा रहे हैं, मेरा गाना हिट नहीं है या मार्केट में मेरा गाना बज नहीं रहा है। तो देखिए, इसका बहुत रीज़न होता है। ऑडियो क्वालिटी अच्छा नहीं बनेगा तो फिर हिट नहीं होगा, या वीडियो अच्छा नहीं दिखेगा तो हिट नहीं होगा, या मुझे गाने का तरीका मालूम नहीं है, तो उस जगह पे जाइए। हमारे पास आप कोई भी सिंगर, जिनको तो पता होता है उनको बताने की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन जिन सिंगर लोग को पता नहीं है, जो नए सिंगर होते हैं, उनको 2 दिन 4 दिन हफ्ते दिन लग जाते हैं रियाज करा के, अच्छे से हम लोग रिकॉर्डिंग करते हैं, उसके बाद में उनको सिखाया जाता है एक एक चीज़, इसको ऐसे लेना है, इसको ऐसे लेना है। क्योंकि देखिए, सबसे बड़ी कारण है, आप हम कोई भी जो लोग खुद को समझते हैं बहुत बड़ा स्टार, वो लोग मेरे नज़र में बहुत बड़े बेवकूफ़ हैं। क्योंकि माँ के पेट से सीख के कोई पैदा नहीं होता है। हम आप कोई भी, चाहे आप मीडिया लाइन में हैं या मीडिया लाइन से अलग हैं, कोई भी काम करते हैं, काम करने से पहले
सीखना पड़ता है आपको, हमको, हर इंसान को। तो जब हम सीखते हैं, सीखने में 2 महीना भी लग सकता है, 2 साल भी लग सकता है, 2 दिन भी लग सकता है, काम के ऊपर है। जितना बड़ा काम होता है उतना ज़्यादा वक्त चाहिए होता है। और कुछ चीज़ें होती हैं जो गॉड गिफ्ट होता है, किसी को मिल जाता है, किसी को भगवान दे के ही भेजते हैं, जाइए आप इस काम में सक्सेस हो जाएंगे। तो इस चीज़ के लिए हम ऐसा नहीं बोल सकते हैं मुझे गॉड ने दिया है या हम, मेरे पास गॉड गिफ्ट है, हम कुछ करेंगे तो सक्सेस हो जाएंगे। नहीं, ऐसा सोचना गलत है। आप मेहनत करिए, क्योंकि हम आप मेहनत किसके लिए करते हैं, पब्लिक के लिए करते हैं। तो मुझे काम करना है, आपको भी गायकी करना है और अपना काम पब्लिक के बीच में रखना है। पब्लिक के बीच में रख देंगे, फैसला कौन सुनाएगा, पब्लिक सुनाएगा। आपको पैसा लगाना है, मुझे मेहनत करना है और मेहनत करके पब्लिक के बीच में लाना है। जिस दिन पब्लिक को आपका सॉन्ग पसंद आ गया, उस दिन आप ज़मीन पे नहीं रहेंगे, ठीक है, आप डायरेक्ट दिल में। और जो लोग दिल में उतर जाते हैं उनका तो किस्मत जय जय है। तो इसलिए आप लोग मेहनत करिए। बहुत ऐसे लोग अच्छा कहते हैं, बुरा कहते हैं, लेकिन हाँ, बुराई को मारिए और अच्छाई को आगे लेके बढ़िए, बहुत अच्छा होगा आपके लाइफ में, उम्मीद करिए। प्रोजेक्ट के लिए आप टेंशन फ्री रहिए, आपकी जो भी हम क्या बोले हैं, आपकी जो बजट होगी उसमें अच्छे क्वालिटी में ऑडियो वीडियो होगा। और बोलना क्या है, आप सहारा म्यूजिक कंपनी खोलिए, खुल के उस पर जो भी ऑडियो डला हुआ है, ऑडियो म्यूजिक सुनिए, वीडियो देखिए। क्योंकि ऐसा नहीं है, एक चीज़ में कमी होती है जो कि गायकी। गायकी में क्या है, आप हम कोई भी सीख के नहीं आते हैं और अभी के डेट में सीखने के लिए टाइम भी नहीं है। सीखने के साथ साथ मुझे काम भी करना है, क्योंकि आधा समय तो इंसान घूमने फिरने पढ़ाई लिखाई में निकाल देता है, आधा समय हम सीखेंगे तो फिर गायकी कब करेंगे। सीखते सीखते गायकी शुरू करिए, क्योंकि आप क्या सीख रहे हैं जब आप पब्लिक के बीच में रखेंगे तो पता चलेगा। तो इस चीज़ के लिए हम चाहेंगे आप लोग मेहनत करिए। कोई भी लकड़ी या कुछ भी खाने से अच्छा है, पर डे 1 घंटा अपने लाइफ का 1 घंटा समय निकालिए, हारमोनियम पे रियाज करिए। अगर आपको कुछ भी नहीं आता है तो आप किसी से बात करिए, जो आपके क्षेत्र में संगीत टीचर हैं उनसे बात करिए और उनसे क्लास करिए, हारमोनियम क्लास करिए या वोकल क्लास करिए। आपको समझ में आ जाएगा रियाज क्या होता है और रियाज में कितना दम है, ठीक है। और इस चीज़ का भी सुविधा आपके पास नहीं है तो YouTube है, YouTube पे सर्च मारेंगे हारमोनियम का क्लास कैसे करें, वोकल क्लास कैसे करें। पूरा तो नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत ज़रूर नॉलेज होगा और उस चीज़ को आप कंटिन्यू जब करेंगे तो आपको धीरे धीरे सारे चीज़ समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आप लोग क्वालिटी के लेके टेंशन फ्री रहिए। सहारा म्यूजिक कंपनी में बेस्ट क्वालिटी में ऑडियो और वीडियो बनेगा। तो आप सब से हम मिलेंगे फिर छोटी सी ब्रेक के बाद, तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम।